अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनाउल्लाह गंदल फिर खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग लगा रहे हैं स्लैब के शटरिंग कर रहे हैं, प्लाईवुड ऊपर लगा रहे हैं स्लैब का, और दे सकते हैं तो ज़्यादातर काम मैनुअली किया जाता है, प्लाई भी हाथ से चढ़ा जाता है क्योंकि टावर क्रेन मोबाइल क्रेन अवेलेबल नहीं है। तो ये शटरिंग हम ऐसे लगाते हैं, प्लाई का जॉइंट हो बराबर होना चाहिए और जिधर जॉइंट आता है उसमें जॉइंट में जो बीम होता है उसके सेंटर में मुरब्बा ला के मुरब्बा लगाते हैं कि दोनों प्लाई का जो जॉइंट है वो बराबर हो जाए। बाकी जो सबसे ज़्यादा है इसका लाइन, जैसे टाइल का देखते हैं लाइन, तो यही इसका टाइल जॉइंट जो है प्लाई का आपस में जॉइंट मिला होना चाहिए। मिसिंग भी है क्योंकि इसमें थोड़ा आगे पीछे राइट एंगल में फर्क हो जाता है, तो ये गैप हैं छोटे छोटे, इसके ऊपर मार के टेप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कॉलम के साथ में लैंड डोरी बंद हुई है, तो हमारा कॉलम लैंड डोरी सीधा है, अंदर ढीला हो गया और बस दे सकते हैं उसका शटरिंग हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कुछ मुश्किल हो किसी कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। बढ़िया है बस, काफ़ी इधर रहते हुए तजर्बा हो गया, काम करने से तजर्बा होता है, जो लोग नए होते हैं उनको इतना ये चीज़ों को नहीं पता चलता, मेरे को भी नहीं पता था। जब जब जो नया काम करता हूँ पहले एक बार मुश्किल होता है, बाद में इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, बाकी सब खरीद है। और किसी सिविल के बारे में, शटरिंग के अलावा कुछ लोग के बारे में, कुछ प्लास्टर के बारे में, अभी मैं प्लास्टर का काम नहीं है इसलिए मैं उसका भी डिटेल बना रहा हूँ, लोग का भी इतना काम नहीं है। हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन किया है, फिर बाउंड्री वाल के नीचे जो फुटिंग है वही ब्लॉक पर काम करते हैं। दूसरा अभी फिनिशिंग में मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, ये उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जरूर वीडियो बनाऊँगा। इधर हमारा रैप बीम के कुछ बारे में आपको बता देता हूँ कि रैप बीम का बाटम और कैसे लगा, वो बीम मेरे को हम भी लगा रहे हैं। तो ये है बीम, ये हमारा 60 का बीम है, इसका थिकनेस 25x60 है, ये हम लोग जो है 30 cm के नीचे रखा है, 30 cm स्लैब हमें कवर हो जाएगी, टोटल बीम हमारा 60 हो जाएगी। और इसी तरह हमारा आगे जो इधर भी ये बीम आ रहा है, ये देखिए बाटम लगाया, नीचे लेवल से मैच किया हुआ है, बाटम लगा दिए, तो ये भी 60 का बीम है। ये हमारा जो अभी इसका बाटम लगाया हुआ है, इसका ऊपर वाला शटर नहीं लगाया, तो ये है 50 का, वो वाला जो है अभी 60 के। ये हमारा प्लाई, ये जो विला है ये राइट एंगल में नहीं है, उसके दो तीन ऐसे बने हुए हैं, एक राइट एंगल उधर मिलता है, एक अलग गया सेंटर से, वो साइड अलग आ रही है, इसलिए इसका जो सेंटर का एरिया है ये बहुत मुश्किल काम, थोड़ा टेंशन हो जाता है, तो राइट एंगल नहीं मिलता है इसलिए। बाकी आसान होता है इंशाल्लाह, काम करने से ही पता चलता है। तो गाँव में ज़रूर याद रखिए, ये भी हम देखें, ये भी 60 का है, 30 cm नीचे रखा हुआ, उसके ऊपर प्लाई ज्वाइन कर रहे हैं, तो 30 cm स्लैब है हमारी कॉन्क्रीट, इंशाल्लाह
60 से निकल जाएगी। ओके दोस्तों, दुआ में जरूर याद रखिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।